पशुपालन, पशुओं को पालना अपने मुनाफे, अपने उत्पादन के लिए, अपने फ़ायदे हेतु, जब मनुष्य अपने लाभ हेतु मनुष्य पशुओं को रखता है, खेत में रखता है, उनका फार्म बनाता है, रखरखाव करता है उनका, इस पूरे प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? पशुपालन। तो मैंने आपको परिभाषा बताई है, और उसमें क्या करोगे? अपने पशु की मदद करोगे? हाँ, उसको दवा दारू करोगे, जब भी उसको कोई भी बीमारी होती है उसको डेली भोजन बढ़िया दोगे? हाँ, संतुलित आहार देंगे। उसको आवास दोगे बढ़िया घर में रहने का? हाँ, उसके लिए घर बनाएंगे, एक बाकायदा जगह बनाएंगे रहने की। उसका टीकाकरण करेंगे, हाँ, ताकि बीमारियाँ हों ही ना, कि दवाई देनी पड़े। और प्रजनन में भी उसकी सहायक होंगे कि वह अपने जैसे जीव उत्पन्न कर सके। इस सब का उत्पादन जानवरों से मिलेगा। तो केवल यही खाद्य पदार्थ है या कुछ और छूट गया मेरे से? हाँ, शहद, शहद भी मधुमक्खियाँ दिलाएंगी अगर आप उसको पालोगे तो। खेत में दुधारू पशु कौन से होंगे? इनमें से चुन सकते हो क्या आप? ये जो रखे हैं बहुत सारे जीवों के नाम यहाँ पे, दुधारू पशु कौन से होंगे भाई? मादा होगी, ये तो पहचान है कि वो दूध देगी और मादा होगी ज़रूर। तो इनमें से ढूंढते हैं दुधारू पशु। खच्चर? नहीं नहीं नहीं, बकरी? हाँ, दुधारू पशु। गाय? हाँ, दुधारू पशु। भैंस? दूध देने वाली दुधारू पशु, यस। ऊँटनी? ये भी दूध देती है, दुधारू पशु। और कोई बचा इसमें से? नहीं, इनमें नहीं है। और बाकी बचे बोझा वाले और हल सिंचाई वाले, ये जितने भी बाकी बच्चे हैं, जैसे ऊँट, ये नर और गधा, खच्चर, बैल, ये सब बोझा भी ढोएंगे और बैल हल करके दिखाएगा। भारत की देसी गायें रेड सिंधी, साहिवाल दो उदाहरण हैं। रेड सिंधी होती है लाल रंग की गायें, साहिवाल हट्टी कट्टी सी स्ट्रॉन्ग गायें होती है। होती हैं दोनों देसी गायें, लेकिन दूध नहीं, दूध बहुत कम दे पाती हैं, दूध की क्षमता बहुत कम होती है इनकी, ठीक है। लेकिन प्रतिरोधकता, हाँ, बीमारी से ये बहुत बढ़िया लड़ लेती हैं, लड़ने की ताकत होती है इनके अंदर, ठीक है। तो इनके दुग्ध उत्पादन का क्या किया जाए? तो इनका संकरण करा दिया वैज्ञानिकों ने, इसके साथ विदेशी गायों के साथ, जैसे जर्सी नाम की गायें और ब्राउन स्विस नाम की गायें, ये हैं विदेशी गायें, उनकी नस्लें हैं। इन दोनों का करा दिया पै 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 पै, है शादी करा दी, संकरण करा दिया, ठीक है। उससे क्या पैदा हुआ है भाई? हाइब्रिड पैदा हुआ, यानी कि करण स्विस या करण फ्राइज, इस प्रकार के हाइब्रिड पैदा हुए, जिनमें क्या था, ये इन दोनों से, माँ बाप से बेटर वाली निकली। इसमें कौन से गुण थे? दूध देने की क्षमता पर्याप्त, बहुत ज़्यादा, विदेशी वाला आ गया गुण, और प्रतिरोधकता यानी बीमारी से बचने का गुण, दोनों ही नज़र आने लगे। आपने गायें भैंसे पाली हैं और आवास यानी रहने को दिया, उनको जगह दी है, कैसा आवास दोगे उनको? अरे भाई, ये उनको चांद तारे मत दिखाने लग जाओ भाई, दिन में तारे चांद तारे क्यों भाई? आपने एक बहुत बड़ी गलती करी हुई है। क्या? आपको ये छत बनानी थी यहाँ पे, तो बकायदा उसको, जानवर को छत के नीचे रखें, छतदार वो आवास, ये बात याद रखें, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि वो ठंड से बचेगा, गर्मी सर्दी से उसका बचाव होगा, ठीक है, छत प्रदान करें ये, ठीक है। अब और क्या गड़बड़ की हुई है यहाँ पे? बाकी सब सही है? नहीं, अरे कोई भी खिड़की रोशनदान नहीं दे रखा पशु को, ये क्या, ये क्या? तो उसको प्रदान करो एक रोशनदान या खिड़की आदि, ताकि हवा आ जा सके, ठीक है, हवादार हो। आने दे थोड़ी हवा, आने दे। और कैसा हो आवास भाई? एक और गड़बड़ मेरे को नज़र आ रही है, ये जो इसका फर्श है, फर्श कैसा बना दो भाई? ढलुआ, ढलुआ बना दो उसको, यानी टेढ़ा, ढला हुआ, ठीक है, ये टेढ़ा होना चाहिए,
जिस पे पशु खड़ा हुआ, ढलान वाला, ठीक है, ऐसा क्यों भाई, टेढ़ा क्यों बना दिया जिस पे ये रह रहा है, ताकि मूत्र आदि आसानी से नीचे खिसक सके, जा सके, नालियों में जा सके। पशु का आहार दिखाया गया, संतुलित आहार यहाँ पे, इसको कहते हैं मोटा चारा। ये चारा नज़र आ रहा है ना, और ये थोड़े से डिफरेंट है भाई, ये थोड़े बीज वीज नज़र आ रहे हैं यहाँ पे पड़े हुए, और इनको कहते हैं सांद्र आहार, ठीक है। और दोनों में अंतर क्या है, कौन सा वाला बहुत ज़्यादा पोषक होगा और पशुओं की हेल्थ बनाएगा, बॉडी बनाएगा, हैं, ये वाला सांद्र आहार उनको देगा प्रोटीन पशुओं को, जिससे उनकी कोशिकाएं बन पाएंगी, विकास होगा, ठीक है। और मोटा चारा थोड़ा कम पोषक होता है, हरा चारा नज़र आ रहा है आपको इसमें, और ये सूखा चारा नज़र आ रहा है आपको इसमें। इस प्रकार के चारे यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बिनौले, खल आदि पड़े हुए हैं यहाँ, और कई प्रकार के बीज हैं, चना पड़ा है, ठीक है, ये रहा चना। इस प्रकार के अनाज आदि आपको, मटर आदि सांद्र चारे के रूप में आपको देने होंगे आहार के रूप में पशुओं को। उसके अलावा जल, अपने बीमार पशु को कैसे पहचानोगे, उसके कैसे पता लगाओगे कि वो बीमार है, वो आपको बता तो सकेगा नहीं बेचारा, लक्षण देखकर। यस, अगर वो अकेला रह रहा है, झुंड में नहीं रहना चाह रहा, तो वो कैसा है, बीमार है। अगर उसका सामान्य तापमान है, क्या ये बीमारी का लक्षण है, नहीं। अगर उसकी भूख प्यास खत्म हो चुकी है, वो कुछ खा के राज़ी नहीं है, तो बीमार हो सकता है भाई, बीमारी के लक्षण। झुंड में रह रहा है, मज़े से रह रहा है, इकट्ठा रह रहा है, और ऐसे में क्या है भाई, वो बीमार नहीं है, इसका मतलब उच्च उसका तापमान है शरीर का, ज़रूरत से ज़्यादा है, सामान्य से ऊपर है तापमान उसका, तो बीमार है। चुस्त दिखाई दे रहा है, चुस्त दुरुस्त, तो बीमार नहीं है। भरपूर भोजन खा रहा है, सही डाइट खा रहा है, तो बीमार नहीं है। कैसे रोग, कवक के द्वारा रोग, या कवक क्या है, फफूंदी, जीवाणु के द्वारा रोग लग सकता है, विषाणु के रोग, विषाणु रोग फैला सकते हैं, यानी कि वायरसेस, ठीक है। इस प्रकार से कई प्रकार के कृमि यानी कीड़े, उनके अंदर रोग फैला सकते हैं, ठीक है। और त्वचा के रोग हो सकते हैं, आपको ये दिख रहे हैं कीड़े, ये पिस्सू हैं जो चिपक जाएंगे इनको, इस प्रकार के कई सारे कीड़े इनको त्वचा पे चिपक जाते हैं। उसके अलावा ये इनका आमाशय देख रहे हैं आप, पेट, तो आमाशय के कीड़े, आमाशय कृमि, आंतों के कीड़े, ठीक है, आंतों के कृमि, यकृत के कीड़े, यकृत के कृमि आपको गाय भैंस में तंग करते हुए पता चलते हैं, बीमारी फैलाते हैं। उससे क्या होगा, उत्पादन कम हो जाएगा, दूध कम देगी गाय भैंस, और मृत्यु भी पॉसिबल है। मुर्गी तो पालते हैं लोग अंडे पाने के लिए, और मुर्गे किस लिए ज़्यादातर पाले जाते हैं, मीट के लिए। तो दोनों में से किसको खूब प्रोटीन वाला आहार दिया जाएगा, मुर्गी को या मुर्गे को, खूब मोटा ताज़ा कर दिया जाएगा और हलाल कर दिया जाएगा बाद में। ऑफ़ कोर्स मुर्गा, उसे खूब प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है, ज़्यादा पौष्टिक आहार, मुर्गियों को कम, इनको ज़्यादा मोटा ताज़ा करके मीट के लिए इनको पाला जाता है। ऐसे वाले मुर्गे जो मीट देते हैं, ब्रॉयलर कहलाते हैं, ब्रॉयलर बोल लो या ब्रॉयलर, ठीक है। और इनके लिए भी एक शब्द है, मुर्गियों के लिए भी, जो अंडे देती हैं इन मुर्गियों के लिए भी एक शब्द है, लेयर,
अंडे देने वाली मुर्गी को लेयर कहा जाता है। मुर्गी पालन यानी कुक्कुट पालन, कुक्कुट, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। मुर्गियों का पालना, मुर्गों का पालना, बतख, टर्की आदि पालना, अंडे आदि के लिए, मीट के लिए, इसे कहते हैं कुक्कुट पालन। ठीक है, अब देसी मुर्गी आप देख रहे हैं, ये उदाहरण है असील, देसी मुर्गी है ये, और ये अंडे कितने देगी, कम अंडे देगी, उत्पादन कम होगा इसका, लेकिन बीमारी से बचने वाली होगी, बीमार नहीं होगी जल्दी से। विदेशी मुर्गा देखिए, लेग हॉर्न एक उदाहरण है, एक नाम है, एक जाति है, यह अंडे खूब देगा। अब आप कहोगे मुर्गा और अंडा, नहीं 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 नहीं, मुर्गा ये वाली जाति का यानी लेग हॉर्न वाले की जो मुर्गी होगी, वो जाति, उस लेग हॉर्न जाति की मुर्गियाँ अंडे का उत्पादन बहुत अधिक देंगी, लेकिन बीमार पड़ेंगी इंडिया में आके यहाँ रहकर। ऐसे में वैज्ञानिक क्या करते हैं, आपको पता ही है, संकरण, पै 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 पै, ठीक है जी, हाइब्रिड पैदा करवा दिया। एग्जाम्पल है HH260, ये एक हाइब्रिड मुर्गी का नाम है, HH260, बहुत अधिक अंडे देने वाली, काफ़ी अच्छी उत्पादन देने वाली, बहुत ज़्यादा चूजे अंडे पैदा करने वाली, जल्दी से बीमार नहीं होने वाली। ठीक है, और क्या खाना भी, आहार भी लिमिटेड लेती है, बहुत कम लेती है, मेंटेनेंस इसको नहीं चाहिए ज़्यादा, मतलब आराम से कोई पाल सकता है, ज़्यादा लागत लगाए, बिना लागत ज़्यादा लगाए कम लागत में HH260 को पाला जा सकता है। कुक्कुट पालन में आहार कैसा देंगे आप अपनी मुर्गी को, मुर्गे को, आप उनको ज़्यादातर संतुलित आहार ही देंगे, जिसमें दाने यानी अनाज, दालें आदि, ये सब तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा यानी बीज, ये सब होंगे, उसके अलावा विटामिन ए और के होना चाहिए, ठीक है, उनके सही विकास के लिए, वृद्धि के लिए। और उनका आवास कैसा दोगे भाई, दो तरह के आवास मैंने दिखाए हैं आपको, ए एंड बी, कौन सा वाला आवास आपको सही लग रहा है, उचित, इस वाले आहार आवास को देखिए, ए वाले को, और फिर बी वाले को देखिए, ए में थोड़ा सा ज़्यादा हैं, बी में थोड़े कम हैं, और ऊपर रात को भी इन्होंने लैंप लगा के छोड़ा हुआ है, कौन सा गलत लग रहा है आप आवास में, गड़बड़, ए वाला गड़बड़ है, बी वाला सही है आवास। इतनी भीड़ नहीं करनी होती भाई जानवरों की, मुर्गियों का, चूज़ों का क्या होगा बेचारों का, ठीक है, भीड़ करना मना है, कम एनिमल्स रखो कुक्कुट पालन में, ठीक है, खुले में रहें, हवादार हो, खुला हो, और उनको नाइट लैंप अवेलेबल हो, रात में उनके पास रोशनी रहे ताकि वो डरे नहीं,